Yes, we were doing dissolution of partnership firm. chapter ka Dissolution of partnership Dissolution of partnership firm. Firm. Because firm is coming to an end. If the firm is coming to an end, definitely the relationship is also coming to an end. But vice versa is not there. If the relationship comes to an end, old relationship, that doesn't mean that the firm is also shutting down. So let's see after workman compensation reserve. What is the next topic he is discussing with us?

और अगर अनरिकॉर्डेड एसेट मार्केट में बिकता है देन कैश टू रियलाइजेशन कोई अनरिकॉर्डेड है अगर आप पे कर रहे हो तो रियलाइजेशन टू कैश आएगा ठीक अगर कोई पार्टनर पे करेगा तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल आएगा अगला जो पॉइंट टू रिमेंबर है मैं कल आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ वैसे तो वो हर एसेट की रिलाय वैल्यू देगा क्वेश्चन में मान लो वो नहीं देता तो यू विल बी यूल उसकी वैल्यू जीरो है लेकिन

इलेट्रेशन नंबर फिफ्थ वी आर डूंगे एंड इट्स एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू थी सिक्स लैख वॉज गिवेन टू अटर एट अ डिस्काउंट ऑफ ट्वेंटी परसेंट ध्यान से सुनना इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं ट्रांसफर ऑफ एसेट टू अल से आपने और अपने क्राइटर को दे दिया और बोला हिसाब खत्म नहीं आई सिर्फ एक फिजिकल ट्रांजेक्शन हुई द डॉक्यूमेंट ऑफ माई बिल्डिंग रजिस्ट्री के पेपर ले ले और अब बिल्डिंग तेरे नाम पे ये मशीनरी तू ले, ले तू इसको बेस जितना भी पैसा आता है तो इससे पैसा क्या कर ले अपना अकाउंट क्या कर ले सेटल कर ले

मेरे को लगता है पॉइंट इसने आगे जाके समझाया होगा और ट्रांसेक्शन अभी के क्वेश्चन में डाल दी वेक्स ओवर चलो आगे वाले पेजेस में देखते हैं when... फिलहाल आप यही याद रखो वेन द क्रेटर पास एनी जर्नल एंट्री देखो फोर्थ के केस में ये लिखा है इफ एनी एसेट लिखा भी हुआ उसने नीचे एक्सप्लेनेशन इफ एनी ऑफ द एसेट रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड इज गिवेन सेटलमेंट ऑफ पॉइंट देखिए, इन्वेस्टमेंट जिसकी बुक वैल्यू कल ये छोड़ दिया था मेरे को लगता हमने पॉइंट है ना मशीनरी वाला जो क्रेडिटर को दिया इन्वेस्टमेंट वाला मैंने आपको करवा दिया था फोर्टी थाउजेंड की मशीनरी है और आज उसकी वैल्यू कितनी है डेढ़ सौ परसेंट वन फिफ्टी परसेंट मतलब सो वाली चीज की वैल्यू वन फिफ्टी परसेंट हो गई ठीक है तो चालीस हजार वाली चीज की वैल्यू कितनी हुई से मल्टीप्लाई कर दो सिक्सटी थाउजेंड सो देट यू आर रिसीविंग आपकी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट लिखो ना टू रियलाइजेशन एसेट का नाम नहीं आना वर वी रियलाइज टू रियलाइजेशन सिक्सटी थाउजेंड चलो जी आगे कम टू दिक्स सिक्स्थ वी वेयर बाय अधिराज एंड करन आर पार्टनर्स कम टू सिक्सटेशन आदिराज एंड करन थ्री इज टू टू ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एटीन द फॉर्म वॉज डिजोल्व और हमेशा वो लाइन ये वाली लिखेगा के केस में ये मान के चलो कि सारे एसेट्स रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुके हैं एक्सेप्ट कैश एंड बैंक और सारी लाइबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है मीन्स पहला स्टेप वैसे भी जब कभी भी फॉर्म बंद होती है सबसे पहला स्टेप है यही

फर्नीचर सेवेंटी थाउजेंड का मार्केट में बेचा ऑप्शन तो किया होगा ऑप्शन अपनी कमीशन लेगा बीच में से टू थाउजेंड ऑप्शनर की कमीशन है सेवेंटी थाउजेंड का फर्नीचर सिक्सटी एट में बिका वो दो हजार अपनी कमीशन काट के आपको पैसे देगा ना तो मेरे हिसाब से एंट्री सिक्सटी सिक्स थाउजेंड से नेट करनी चाहिए यू टेल दो अलग अलग एंट्रीज करूं कि एक ही करूं एक ही करनी चाहिए ना ऑक्शनर अपनी कमीशन काट के आपको नेट अमाउंट देगा कल बात करी थी ना जैसे बिल्डिंग है के थ्रू ठीक तो क्या एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू तो फर्नीचर लिख शुड आई राइट टू रियलाइजेशन गुड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंटी सिक्स थाउजेंड मिस्टर कटारिया क्या हुआ आपको सेकेंड

और उस फोर्टी थाउजेंड का वो कहता है लिया है तो चालीस हजार का बीस परसेंट मैंने निकाला वो एट थाउजेंड बना इट ने वो स्टॉक हजार में लिया डू यू एग्री मैंने सबसे पहले क्या किया स्टॉक का फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट आया एटी थाउजेंड का फिफ्टी परसेंट कितना आया, तो वो बुक वैल्यू पे नहीं लेके गया कहता ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट पे है तो चालीस हजार का मैंने ट्वेंटी परसेंट निकालाउजेंड इट मीन कि करण इज टेकिंग स्टॉक ऑन थर्टी टू थाउजेंड एंट्री आएगी करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन यहां तक किसी को कोई डाउट है बाकी रिमेनिंग स्टॉक का क्या हुआ वेल द रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट रिमेनिंग बचा कितना बचे फोर्टी ये थर्टी परसेंट प्रॉफिट में बिका तो इसका मैंने थर्टी परसेंट निकाला वो बारह हजार हुआ इट मीन की फिफ्टी टू थाउजेंड में बिका एम राइट कंबाइंड एंट्री करवाना जरा मेरे को करंट कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन विल यू एग्री जो करंट ले गया है वो करंट में डेबिट होगा जो मार्केट में बिका है वो आपका बैंक में डेबिट होगा सो आई एम पासिंग द कंबाइंड एंट्री हियर करंस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बैंक के अकाउंट डेबिटेड करण कितने में लेके गया थर्टी टू में बैंक में कितना आया फिफ्टी टू ये किया था मैंने यहां पर फिफ्टी टू टू रियलाइजेशन 84000 पढ़ो जरा इतना यही किया है सॉल्यूशन इज ऑन द नेक्स्ट पेज 84 से करी उसने कंबाइन करी है चलो अलग-अलग करी है तो कोई बात नहीं दोनों तरह से ठीक है ना हमारी अलग-अलग भी कर सकते हैं कंबाइन भी कर सकते हैं आगे चलिए अगला भी आपके लिए नया पॉइंट है बेटे अब बीआर ऑफ ₹3000 अंडर डिस्काउंट वाज डिसोनेंट अंडर डिस्काउंट का मतलब है आपने बैंक से डिस्काउंट करवाया हुआ

सिर्फ क्रेडिट वर्ड गोज आउट वाला लगाना है फॉर्म कोई पेमेंट करती है इंजरी तो तो हुई थी ठीक है और उसकी फैमिली ने कॉम्पनसेशन मांगी थी तो भी रियलाइजेशन टू बैंक किया था ना सेम इज केसर यू आर मेकिंग द पेमेंट क्योंकि बैंक आपसे पेमेंट मांगेगा ना थ्री थाउजेंड अधिराज और करंट में बांट दें उनकी प्रॉफिट रेशियो दे रखी है क्या एंट्री आएगी और डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट डेबिट है क्या एंट्री होगी अधिराज डेबिट करंट डेबिट टू पी एल अकाउंट वेरी सिंपल ये चाहे एडमिशन का केस होता है चाहे रिटायरमेंट का होता है चाहे डेथ का होता एंट्री सेम रहती है Whenever P&L is appearing in your balance sheet on asset side, we just debit the capital account में, we credit the P&L account ये मैंने ही लिख रही हूँ। आगे चलो। वैसे ना expenses का एक अलग से topic है। इसने ये point यहाँ पे डाल दिया तो मैं थोड़ा सा पहले explain करती हूँ आपको। uh, When you do this dissolution process, तो उस केस में आप एक person appoint करते हो जो आपके सारे assets बिकवाता है और आपकी सारी liabilities की उसमें से payment करवाता है। समटाइम्स आप अपने किसी पार्टनर को ही उस रेजोलेशन प्रोसेस का इंचार्ज बना देते हैं ठीक है तो कई बार क्या होता है वो जो बनाया होता है वो अपनी पॉकेट में से क्या करता है पेमेंट करता है अगर आप खुद पेमेंट करते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की तो एंट्री आती है तो फॉर्म खुद पे करते अब किसने पे किया है अधिराज ने पे किया है तो अधिराज को आप अपनी लाइबिलिटी बना लो ना बिकॉज यू आर लाइबल टू पे टू इफ यू पे अधल्फ तो आप बैंक लिखते हैं

तो हम उसे पार्टनर की कैपिटल में क्रेडिट करते हैं सो दिस इज अ राइट टाइम आई शुड डिस्कस दीस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विद यू सेवेंथ इलस्ट्रेशन के इमीडिएटली बाद ही जस्ट चेंज द टॉपिक सो आई हैव फोर और फाइव केसेस रिलेटेड टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कई बार ऐसा हुआ है पेपर का जो क्राइटेरिया रहता है वो सारी एंट्रीज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की ही पूछता है But he puts in the paper all the four or five cases related to realization expenses, very, very important as well as interesting topic. So we are going to discuss it with the help of certain logics. Why the bank is to be credited and why the partner is to be sometime debited and credited in the entry, how he has framed the different cases, we are going to discuss that. Firstly, uh, if in the paper he writes dissolution expenses, if in the paper he writes realization expenses, both are same. फर्म को डिसॉल्व करते हुए आपको कुछ खर्चे करने पड़ते हैं उन्हें रेजोल्यूशन एक्सपेंसेस yes. अब कई बार क्या होता है या तो फर्म खुद पे करती है ये खर्चे या फर्म इस रेजोल्यूशन प्रोसेस का एक पार्टनर को इंचार्ज बना देती है और उसको इंचार्ज बनाते हुए कहती है सारे खर्चे तूने पे करने हैं बदले में हमने तेरे को इतनी रेमोनरेशन दे दी तो तब फर्म अपनी बुक्स में सिर्फ रेमुनेशन की एंट्री करेगी मान लो खर्चे हुए सोलह हजार हमने पार्टनर को बोला तेरे को देनी है खर्चे तूने खुद बेयर करने तो खर्चे सोलह हो बाईस हो पच्चीस हो हमने उसके साथ रेमुनेशन बीस हजार फिक्स ना हमने सिर्फ रेमुनेशन की एंट्री करनी है। जब हमने रेमुनेशन की एंट्री करनी है तो हमारी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट अकाउंटी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिकॉज वी आर मेकिंग द रेमुनेशन ड्यू हम रेमोनेशन ड्यू कर रहे हैं और हमारा पार्टनरशिप फंडामेंटल हमें ये सिखाता था पार्टनर को कुछ भी देना है ना उसकी कैपिटल को क्रेडिट करो सो हेयर बाय वी आर एग्रिंग टू पे टू हिम रेमुनरेशन आर द एक्चुअल दैट इज पेम पर्सनल एक्सपेंडिचर क्योंकि उसने हमारे साथ कमिट किया हुआ है जितने मर्जी खर्चे होंगे आई विल पे ठीक है इन दैट केस वी विल जस्ट बी पासिंग द एंट्री फॉर रेमुनेशन ड्यू चलो पहला केस करते हैं इस ही मेड थ्री केसेस पहला केस करते हैं पार्टनर इज पेड रेमोडेशन एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसिस हमने पार्टनर को रेमोडेशन देनी है काहे के लिए इन बनाया है और खर्चे सारे फर्म बेयर कर रही है सारा पैराग्राफ पढ़ते हैं यू विल गेट एन आइडिया दट हाउ ही

Uh, मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करती हूँ बोला कि तू इन चार्ज है सारे एसेट बिकवा देना देना सारी की पेमेंट कर देना. लेकिन इसमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं है हमने उसे कहीं नहीं बोला कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी तू खुद बेयर करेगा आई एम रिपीटिंग द लाइन आई एम मेकिंग द पेमेंट ऑफ देशन टू हिम ओनली फॉर हिज हिस्सा टू कंप्लीट द डेजोलूशन प्रोसेस देयर वॉज नो एग्रीमेंट दैट ही इज गोइंग टू बेयर द डेजोलूशन एक्सपेंसिस ऑल्सो इट मीनस के डेजोल्यक्सपेंसिस फॉर्म खुद बेयर करेगी

डिफरेंट केस लेकिन यहां पर खर्चे बेयर करने की कोई बात नहीं हुई इट मीन की फॉर्म इट सेल्फ वियर द एक्सपेंसेस पार्टनर इज पेड रेमुनेशन एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसिसन बाई फर्म हम पहली एंट्री करते हैं फॉर रेमुनेशन टू अ पार्टनर जब आप रेमुनेशन दोगे किस चीज की रेम्यूनेशन दे रहे फर्म इज गोइंग टू बी शट डाउन

थर्ड और फोर्थ केस देखना जरा टेबल का पेश कर लो आपको अगर याद हो तो प्लस क्लास में मैं जब एंट्री का चैप्टर करवाती थी तो मैंने बहुत बार आपके साथ ये पॉइंट डिस्कस किया हुआ है व्हेन यू पे ऑन समबडीज बिहाफ लाइक यू आर रनिंग बिजनेस लाइक अभिषेक इज रनिंग बिजनेस एंड ही टल या वो छह महीने के लिए किसी टूर पे गया है तो उसका खर्चा उसका फ्रेंड उसे कह के गया है कि तू कर देना तो क्या एंट्री करोगे एंड फ्रेंड्स करन करण का खर्चा अभिषेक ने पे किया अभिषेक अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री पास करेगा पहले इसको डिस्कस करते हैं फिर वो बात समझ आनी अभिषेक ने करण अपने फ्रेंड का खर्चा बेयर किया फॉर एग्जाम्पल उसने बोला कि ये मेरी यहाँ पे प्रॉपर्टी है मैंने रेंट पे ले रखी है अब मैं तो यहाँ पे छह महीने नहीं रहूंगा तो इसका रेंट पे करते रहते एक महीने का रेंट दस हजार है उस महीने अभिषेक क्या एंट्री करेगा बिल्कुल ठीक है करण अकाउंट डेबिट टू कैश रेंट अकाउंट डेबिट नहीं कह सकता क्योंकि रेंट इसके लिए नहीं है और करण को डेबिट इसलिए किया है क्योंकि आज वो अपनी पॉकेट में से पे कर रहा है कल को करण से ले लेना करण को अपना डेटर बना रहा है एम राइट right? ये याद है मीन आपको वेन यू पे ऑन सम्बडीज बिहाफ देखो अगला केस हमारा भी क्या है फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसिस बोर्न बाय द फर्म बट पेड बाई अ पार्टनर खर्चा किसने करना था वॉज ओरिजिनली दिस इन बाय अब हो सकता है, है, है तो फॉर्म का खर्चा कौन पे कर रहा है पार्टनर अब अब यहाँ पे उलट है कि अभिषेक का खर्चा करण ने पे कर दिया अभिषेक क्या एंट्री करेगा अभिषेक का खर्चा करन ने पे कर दिया अभिषेक लिखेगा मान लो अभिषेक एंट्री का का रेंटी है

ऑफ़ so, फर्म अगर फॉर्म खुद पे करती तो रियलाइजेशन टू बैंक होता अब क्योंकि करण ने पे कर दिया है तो फॉर्म एंट्री करेगी रियलाइजेशन टू करण यू का नाम बोलना दोबारा से सिंपल लैंग्वेज में केस का नाम बोलना हाँ वेन द रियन एक्सपेंसिस आर टू बी बोर्न बाई फर्म बट पेड बाय पार्टनर ऑन फर्म बिहाफ क्लियर सिंपल एक फंडा में हमेशा याद करने को बोलती हूँ

कहीं पे एसेट एज अ कैश कैश एज एन एसेट आपका बढ़ना था अब डेटर आपका एसेट बन, बन गया वो पार्टनर आपका तो उसको पार्टनर से रिप्लेस कर देना इनकेस दैट इज बिंग पेड एंडेज बाय द पार्टनर ठीक है धीरे धीरे विद प्रैक्टिस यू लर्न हाउ द थिंग्स आर टू बी रिप्लेज अगला देखो फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसिस बोर्न बाय फर्म

पेमेंट उस remuneration. तो remuneration for for हम रेमोनेशन को ड्यू कर रहे हैं ठीक है और उसके बाद फॉर्म ने अपना खर्चा खुद पे किया तो रियलाइजेशन टू बैंक है अगला फर्म का खर्चा पार्टनर ने पे किया तो पार्टनर का नाम आ गया अगला

हम फिर से रेमोनेशन सत्रह हजार ही दे रहे हैं खर्चा इक्कीस हजार हो जाता हमें क्या जितना मर्जी ज्यादा हो या कम हो जब कम था तो हमने उसे वापस नहीं लिया जब ज्यादा है तो हम और छोड़ना देंगे इट डिपेंड्स अपॉन हिम हाउ टू कंट्रोल द एक्सपेंसेस बिकॉज ऑलरेडी ही नोस कि उसको बदले में रेमोनेशन कितनी मिल रही है तो खर्चे ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं वी आर नॉट रिलेटेड विद दैट बिकॉज एक्सपेंसिस आर टू बी पेड बाई पार्टनर एंड हेयर बाय द केसेस वॉट

कैपिटल अकाउंट में जाएगी करण के कैश अकाउंट में भी जाएगी लेकिन रियलाइजेशन में नहीं आए एनी डाउट टू टू ऑल द केसेस आर क्लियर अंडर दिस पार्ट डाउटर चले आगे यस yes. <coughs> अगला भी ऐसे ही बनाया केस चलो पढ़ते हैं अगला क्या है अ पार्टनर इज पेस फिक्स अमाउंट दैट इंक्लूड्स रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पहला भी तो यही था

इसके बिहाफ के ऊपर पेमेंट कर सकती है अदरवाइज हमने किसकी ड्यूटी लगाई हुई है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है कि पार्टनर ने खुद खर्चा क्या करना है बेयर करना है अगर फॉर्म पे करती है तो किसके बिहाफ पे होगा पार्टनर के बिहाफ पे होगा तब वही एंट्री होगी जो अभी आपने बोली है करंट टू कैश अगली दो लाइनें पढ़ना समझ आती है आपको फॉर डेजोल्यूशन एक्सपेंसिस टू बी पेड बाय द पार्टनर विल यू पास एनी एंट्री फॉर इट

और खर्चा कितना हुआ ग्यारह हजार धर्म नहीं पे किया कोई एंट्री नहीं करनी सिर्फ रेमोनेशन की एंट्री हुई भी, भी खर्चों की मैंने करी नहीं बिकॉज मैंने उसके साथ ये एग्रीमेंट किया था यू आर द इन चार्ज ऑफ माई रेजोल्यूशन प्रोसेस एंड यू आर गोइंग टू बियर देल एक्सपेंसिस वी आर जस्ट पासिंग द एंट्री फॉर मेकिंग रेमोनेशन ड्यू पीछे नीचे सॉल्यूशन और हिंट भी दे रखा है देखो यही लिखा है उसने रियलाइजेशन अकाउंट टू कैपिटल ठीक चेक कर लिया सबने मीने की एंट्री है ये

जय का खर्चा विजय ने पे किया टू विजय क्या लॉजिक बना यहां पे? विजय को क्रेडिट क्यों किया वी हैव टू टेक द मनी फ्रॉम जय एंड पे विजय विजय की हमारी लाइबिलिटी हो गई और जय हमारा डेटर बन गया ना तो जय टू विजय ठीक है तो दिस कैन ऑल्सो बी एडेड एक नया कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में से हमें पता चला थेरी में कहीं नहीं बोला था उसने डन हमने एक रेमुनेशन की एंट्री करनी है एक दोनों के एग्रीमेंट की एंट्री करनी है कि विजय ने जय के बिहाफ के ऊपर क्या कर दी है पेमेंट कर दी है आगे चलो दीपा पार्टनर वॉज टू लुक आफ्टर सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनाए दीपा पार्टनर वॉज टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डेजोल्यूशन एंड दिस वर्क शी हैज फॉर दिस वर्क शी अलाउड अलाउडनेशन रेमुनेशन की तो करें रियलाइजेशन अकाउंट अकाउंटेड टू दीपास कैपिटल जितनी भी अमाउंट है यू विल राइट सेवन थाउजेंड दीपा ने बोला मैं खर्चे भी खुद ही बियर करूंगी और खर्चे कितने आए 6000 थाउजेंड वर पेड फ्रॉम फॉर्म बैंक अकाउंट मीन दीपा का खर्चा फॉर्म ने पे किया क्या आएगी एंट्री दीपा से अकाउंट डेबिटेड टू तो बैंक दीपा टू तो बैंक हु who, who was supposed to bear the expenses? Deepa दीपा. on Deepa's behalf. Who is paying the expenses? Firm. So Deepa, we will make a debtor. 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 We